लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मैं क्या कर रहा हूँ? घर से निकलते ही ज्यादा दूर निकला भी नहीं। मर्दों की यही तो बुरी आदत है, यहाँ बीवी को छोड़कर निकले बस हो गए मतवाले। पिछले साल शेखर 2 दिन के लिए दिल्ली गया, पूरा गंजा होकर वापस आया। किसी लड़की ने कह दिया कि गंजे आदमी बहुत सेक्सी लगते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। नो हेयर कट, नो सिगरेट, नो शराब। बम्बई में सिर्फ 3 दिन शादी, फिर सीधा जयपुर वापस और फिर दफ्तर, सेल्स प्रमोशन। एक्सक्यूज मी सर, भाई साहब ये जो बंबई है ना, यहाँ पर रहने के जगह की बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बाराती आए, बिग वेडिंग, बरातियों को अलग अलग जगह रखा गया, पर आपके लिए है ना एक अच्छे फ्लैट का इंतजाम किया। एयर कंडीशन, 1 बेडरूम हॉल, टेलीफोन भी है, आपके लिए अलग कार रहेगी और फ्लैट में खाने पीने का इंतजाम तो बहुत ही परफेक्ट है। आप वेज की नॉन वेज? कुछ भी। आप वेज की नॉन वेज? कुछ भी चलेगा, 3-4 दिन की तो बात है। अरे 3-4 दिन क्यों, हमने तो पूरे हफ्ते का प्रोग्राम बनाया। वो क्या है ना कि लड़की वालों की अपनी ट्रेवल एजेंसी है, तो बंबई की सैर, एलिफेंटा, अजंता, अलोरा और गोवा, गोवा गोवा जाने का भी प्रोग्राम है। आज कब निकल रहे हैं? आज का दिन तो फ्री है, आप आराम कर सकते हैं। कल 7 बजे मैं आपके लिए गाड़ी भेज दूंगा। इतनी जल्दी? क्यों, हमारे साथ चाय नाश्ता नहीं करेंगे? वो तो ठीक है, लेकिन शादी की रस्म कब है? शादी की रस्म 12 बजे से पहले तो नहीं होगी? तो फिर 11:30 बजे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। हमारी जगह यहाँ से भाई साहब 12-15 मिनट ही दूर है, तो ऐसा करता हूँ आप चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं। पैदल? नहीं नहीं, वहाँ कार रहेगी, पर चाहे तो पैदल भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, 8 बजे मिल जाएगी? 8 बजे, 8 बजे, ठीक 8 बजे। 8 बजे क्यों, 7 बजे से आपके साथ रहेगी। लेकिन जाना कहाँ है? यही शॉपिंग वगैरह करने। शॉपिंग वो तो मैं आपको करवा दूंगा, सस्ती और बढ़िया, आप बेफिक्र रहिए। मनोहर जी ने मुझे आपका खास ख्याल रखने के लिए कहा है, खास, समझ गए ना? आप लो आगे आगे, ड्राइवर प्लीज ड्राइव स्ट्रेट, नाउ टेक लेफ्ट टर्न प्लीज, ओके, स्टॉप द कार, आइए, लो पहुंच गए। भाई साहब, भाई साहब ये लीजिए चाबियां, 4th मंजिल पे फ्लैट है। फ्लैट नंबर? 400 नंबर। आप सामने वो लिफ्ट है, आप चलिए मैं आपका सामान लेकर आता हूँ। ओके हाय। ये क्या सारा बाजार खरीद लाई? मैं ऊपर तुम्हारे कमरे की घंटी बजाते बजाते थक गया। आज मेरे साथ जाना था, फिर भूल गई। कल किस्मत से पैसे मिल गए, मैं सुबह ही निकल गई। दाल, चावल, आलू, गोभी, ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, टूथपेस्ट सब खरीद लाई। 10-15 दिन के लिए छुट्टी। अच्छा, अरे लिफ्ट आ गई। अरे सुनो तो सही, बाद में बाद में। अरे रुकिए प्लीज। कौन सा फ्लोर? 4th फ्लोर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आप मेरे फ्लैट का दरवाजा खोल देंगे प्लीज? मेरे दोनों हाथ। श्योर। आपकी चाबी? ये रही, निकाल लीजिए प्लीज। कौन सी वाली? बीच वाली। एक्सक्यूज मी। श्योर। थैंक यू सो मच। अरे क्या हुआ, गिर पड़े क्या? दरवाजा खोलना, मेरी चाबी। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आपको चोट कैसी लगी? वो दरवाजा खोल के जैसे अंदर बढ़ा, आपने फौरन दरवाजा मेरी नाक पे बंद कर दिया। अरे रे, मुझमें समझ है ही नहीं,
मैं कितनी बेवकूफ हूँ। आइए चलिए ना, मैं आपके नाक पर दवाई लगा दूंगी। नहीं नहीं इट्स ओके। प्लीज चलिए ना, आइए प्लीज आइए खाइए ना, इसे दबाइए। क्या दबाऊं? इस कैबिनेट के बटन को। या आपकी चाबी। आप मुझसे बचकर रहिएगा, मेरे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मैंने आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। मैं आज ही आया हूँ पास वाले फ्लैट में। ओह, तो आप मेरे पड़ोसी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। आधे फ्लैटों में तो कोई भी नहीं रहता है, कोई शोरगुल नहीं, ना कुत्ते ना बच्चे, बस इधर एक स्मगलर रहता है, वो भी आजकल टाड़ा में गिरफ्तार है। उधर एक गायक रहता है, फिल्मों में गाना गाता है, मुझे देखते ही गाना गाना शुरू कर देता है। बस एक छोटा सा परिवार, तुम और मैं। अरे तुम निकल गया, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके सी या, टेक केयर, बाय बाय। अरे भाई साहब कहाँ गायब हो गए थे, मैं तो डर ही गया था, और ये क्या कर लिया? वो थोड़ी सी लग गई ना, मुंबई आते ही। आइए भाई साहब एंटर। okay. आइए। ये रही आपके रहने की जगह। और भाई साहब ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, टेलीफोन नंबर भी लिखा है, आप जब चाहे बेझिझक टेलीफोन कर सकते हैं। भाई साहब मेरा नाम रविंद्रनाथ है, नो रिलेशन टू रविंद्रनाथ टैगोर। भाई साहब आप मुझे प्यार से रवि बुला सकते हैं। आइए ये रहा किचन, 2-3 दिन का खाना फ्रिज में मौजूद है। और भाई साहब वो सुबह अखबार और दूध है ना, वो दरवाजे में सुबह सुबह आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और भाई साहब माइक्रोवेव भी है, खाना गर्म कीजिए और मजे से खाइए। अरे हाँ भाई साहब एक बात बताना भूल ही गया, बार भी है, सब विलायती, जस्ट लाइक 5-स्टार ट्रीटमेंट। तो ठीक है आप मुझे सुबह गाड़ी भेज दीजिए। पर रात को 8 बजे मैं आ रहा हूँ ना। क्यों? अरे वो पार्टी है ना बरातियों की। तो 8 बजे मत आइए, 8:30 बजे आइए ना, 8 बजे मुझे जयपुर फोन करना है, STD है ना? अरे हाँ हाँ है, जहाँ मर्जी कीजिए। बेझिझक डायरेक्ट सर्विस भाई साहब, ये कॉर्डलेस ऑल ऑन द हाउस। अच्छा मैं चलता हूँ, 8:30 बजे आऊंगा, आप तैयार रहिएगा। ओके अच्छा एक मिनट। अच्छा अच्छा अरे भाई साहब दरवाजा बंद कर लीजिएगा, इट्स मुंबई। अच्छा चलता हूँ। अरे भाई साहब भाई साहब रवि रवि याद रखिएगा 8:30 बजे। हाँ छोटा सा परिवार, तुम और मैं। अरे तुम निकल गया, बड़ी जल्दी चला आया। लड़की शायद चाय पीने को कहती या कोई और बातचीत करती, आखिर ये छोटा सा परिवार जो ठहरा। ओहो अभी तो सिर्फ 7 बजे हैं, सुनीता को 8 बजे फोन करना है, 1 घंटा और क्या करूंगा। Thank you.
ढलती जवानी की समस्याएं। ढलती जवानी की समस्याएं और उसके परिणाम। ये सुनीता समझती क्या है अपने आप को? 8 बजे टेलीफोन करना, अरे मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? वो क्या समझती कि उसकी आंखों से ओझल होते ही मैं सिगरेट पीना शुरू कर दूंगा, शराब में डूब जाऊंगा, शेखर की तरह बाल मुंडाकर घर लौटूंगा? और तुम्हें बस यही एक परेशानी है, हर बात में शक। वो जरूर सोच रही होगी कि शादी के माहौल में मैं लड़कियों के बीच में कन्हैया बना घूम रहा हूंगा। 8 साल हो गए मेरी शादी को, किसी एक लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ऐसी बात नहीं है कि मेरी जिंदगी में लड़कियां नहीं आई, बहुत सारी आई हैं, टिड्डियों के दल की तरह। हाँ सो मत सुनीता, लड़कियां मेरी तरफ ऐसी खिंची आती हैं जैसे आग की तरफ पतंगा। तुम और आग? आग नहीं हो तो फिर परेशान क्यों होती हो? 8 बजे टेलीफोन करने को क्यों कहा? हाँ अरे तुम्हारे लिए परेशान हो, तुम मेरे पति हो। बस यही तो रोना है, तुम परेशान हो क्योंकि मैं आज भी वैसा ही हूँ जैसा 8 साल पहले शादी के दिन था। और तुम 30-32 की हो गई हो, और बहुत जल्द वो दिन आएगा जब तुम्हें अचानक एहसास होगा कि तुम में वो बात नहीं है, तुम ढल गई हो। लेकिन मैं जैसा था वैसा ही रहूंगा। अब इसमें परेशान तो होगी ही ना, ये तो कुदरत का खेल है, औरतें जल्दी बुढ़ी हो जाती हैं। मैं तो 60 साल की उम्र में भी ऐसा ही रहूंगा, मेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है, तब लोग समझेंगे कि तुम मेरी माँ हो। हेलो माँ। सुनीता तुम्हें यहाँ का नंबर कैसे मिला? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ एक मिनट होल्ड करना। हाँ नहीं नहीं, रहने का इंतजाम सब अच्छा है। हाँ टेलीफोन है, फ्रिज है, एसी है, माइक्रोवेव है। नहीं नहीं, मैं तो अकेला ही ठहरा हूँ। हाँ बाकी सब लोग अलग अलग जगह पर ठहरे हैं ना। हाँ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, 8 बजने का इंतजार कर रहा था। हाँ सिनेमा? नहीं नहीं, राजा से कहो मैं 3-4 दिन में लौट रहा हूँ ना, फिर साथ में चलेंगे सिनेमा या सर्कस। शेखर को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? अरे शेखर राजा को पसंद नहीं करता वो तो। हाँ नहीं कोई खास बारिश नहीं है, एसी चल रहा है। हाँ हाँ मनोहर जी ने रात को पार्टी रखी है ना। हाँ तुम्हारे पास नंबर है, कोई बात हो तो फोन कर देना। ओके हाँ ठीक है, बाय बाय। राजा शेखर के साथ घूमने गया है, फिर सिनेमा जाएंगे। ये सुनीता भी ना, ढलती जवानी की समस्याएं और उसके परिणाम। हाँ? इतनी जल्दी आ गया रवि? हाय। हेलो। आइए आइए आइए। आपकी नाक कैसी है? मुझे सचमुच अफसोस है, मेरी वजह से आप। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके लिए मलम लाई थी, कहीं जरूरत हो तो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप परेशान मत हो। मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी, क्यों? अगर आपकी नाक टूटती तो आपकी शक्ल ही बिगड़ जाती, वैसे ही लल्लू से लगते हैं आप। उसके ऊपर नकटे? नहीं नहीं। फिर नाक के घाव से गैंग्रीन, नाक काटनी पड़ती, और आजकल अस्पतालों में जो हो रहा है आप तो जानते हैं, नाक की बजाय किडनी निकाल लेते हैं किसी अरब के लिए, और अगर कहीं मर जाते तो मुझ पर बतौर हर्जाने 10 लाख रुपए का दावा ठोक देते। नहीं नहीं आप नहीं, आप तो मर चुके होते, आपका कोई रिश्तेदार वकील कोई भी। चलिए मैं जिंदा हूँ, नाक भी सलामत है, मामला खारिज है। आप अंदर आइए ना, नहीं अगर कोई काम नहीं है तो। काम ही से तो आई हूँ आपकी नाक पर मलम लगाने। फिर तो आइए आइए ना। अरे आपका फ्लैट कितना खूबसूरत है। ऐसा लगता है किसी फिल्म के सेट पर आ गई हूँ। वाओ आपके फ्लैट में एसी भी है। एसी तो दूर, मेरे फ्लैट का तो पंखा ही बिगड़ा हुआ है, फिर यहाँ की घुटन और गर्मी,
क्या मुसीबत है?